बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की एक बड़ी मीटिंग हुई है। इस मुलाकात ने कई देशों की नींद उड़ा कर रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका समेत कई बड़े देशों की नजर इस मीटिंग पर लगातार है, लेकिन मीटिंग से ठीक पहले पुतिन ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल पुतिन ने मीटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने मंगलवार को 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम मोदी भारत में अच्छा काम कर रहे हैं और मेक इन इंडिया पॉलिसीज को भी बढ़ा रहे हैं। जहां ये इवेंट हुआ है वहीं पर पुतिन की किम जोंग उन से मीटिंग भी हुई और मीटिंग से पहले पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। दरअसल रूस में अपने ही देश में बनी कारों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर जब फोरम में पुतिन से सवाल हुआ कि अब रूस देश में कारें बनाने पर जोर दे रहा है, लेकिन अतीत में जब ऐसा हुआ था तो नाकामी हासिल हुई थी, इस सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा, आप जानते हैं हमारे पास पहले घरेलू स्तर पर बनाई गई कारें नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास वो सब है। हाँ, ये सच है कि मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में ये मामूली दिखती है। मुझे लगता है कि हमें अपने कई साझेदारों का अनुकरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत अपने देश में बनी गाड़ियों के निर्माण और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सही तरह से काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में वो सही है। रूसी राष्ट्रपति से इसके बाद पूछा गया कि अभी भारी संख्या में चीन में बनी गाड़ियां रूस में आने वाली हैं। ऐसे में क्या उनके रूस में बनी गाड़ियों को झटका नहीं लगेगा? इसके जवाब में पुतिन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोनों देशों ने साथ मिलकर शुरू किया है, तो इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं पुतिन से प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या ये कॉरिडोर रूस के लिए नुकसान साबित नहीं होगा, जिसका जवाब देते हुए पुतिन ने कहा, प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रूस को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। ये कॉरिडोर रूस को लॉजिस्टिक डेवलप करने में मदद करेगा। जानकारों की माने तो भारत और रूस के बीच पिछले दिनों G20 के बाद रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस समिट के लिए दिल्ली नहीं आए थे, उनकी जगह रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में जो घोषणा पत्र आया उसमें यूक्रेन युद्ध का तो जिक्र था, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया गया था। नई दिल्ली घोषणा को रूस की तरफ से एक मील का पत्थर बताया गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत में आयोजित शिखर सम्मेलन ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन संघर्ष को अपने एजेंडे को केंद्र बिंदु बनाने से रोका। उन्होंने कहा कि भारत ने शिखर सम्मेलन में निष्पक्ष परिणाम हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही शिखर सम्मेलन के बयान को रूस के लिए कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस समिट से एक तस्वीर भी काफी वायरल है जिसमें पीएम मोदी और सर्गेई लावरोव एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जोर से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।